हमारे साथ मौजूद हैं भारत के सबसे कामयाब फुटबॉलर सुनील छेत्री। सुनील, सबसे पहले मुबारकबाद कल की कामयाबी के लिए। कितना अहम है ये कामयाबी भारतीय फुटबॉल के लिए, आपके लिए? बहुत ज़रूरी था। पेनो अच्छी टीमें आई थी इस टूर्नामेंट में, केनिया न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छा टेस्ट था हमारे लिए। हम प्रिपेयर कर रहे हैं 2019 एशिया कप के लिए, और हर एक मैच जो हमें मिलता है कंट्री के खेलने के लिए वो एक स्टेपिंग स्टोन है उस टूर्नामेंट के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत खुश हूँ टूर्नामेंट जीत कर। बहुत सारे यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। बिना जब मैं कहता हूँ हम, मतलब मैं, सारे लड़के, कोचिंग स्टाफ, फैंस सब इकट्ठे थे इस चीज़ में, एंड बहुत खुश हूँ कि सब आए, सबको एक अच्छा गेम देखने को मिला और अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिला। आपके हम मोटर से जुड़े हुए हैं, बच्चों में भविष्य, अपने बच्चों के साथ काफ़ी वर्कशॉप किया है, भविष्य कैसे देखते हैं भारतीय फुटबॉल का भारत में? यही चाहता हूँ कि भविष्य में जितने भी बच्चे हमारे देश में हो जो खेलना चाहते हैं और जो अच्छे हैं, उनको सबको अच्छी एक प्लेटफॉर्म मिले। जिस दिन हम ये कर पाएँ कि जितने भी बच्चे हमारे कंट्री में हर कोने में, उन सबको एक अच्छा कोचिंग, यू नो, अच्छा डाइट, अच्छी एजुकेशन मिले, बस यही एक सपना है। एंड आई जस्ट होप कि जितनी जल्दी से हम ये पूरा कर सकें उतना बेहतर हमारे देश के लिए। क्या आपको लगता है कि माइंडसेट बदला है खेलों के प्रति भारत में, पेरेंट्स का, बच्चों का? थोड़ा बदला है, बहुत बदलने की ज़रूरत है। बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा अगर हम अपने आप को एक स्पोर्ट्स नेशन बोल सके, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, स्पोर्ट्स से ज़्यादा आपको कुछ और चीज़ नहीं सिखा सकता। आपका हेल्थ, आपकी सोच, आपका दिल बड़ा होना, आपको लॉस अच्छी तरह ले लेना, ये सब चीज़ें एक स्पोर्ट्स सिखाता है आपको। एंड आई जस्ट होप कि यू नो, आप लाइफ में कुछ भी बने पर आप स्पोर्ट्स ज़रूर रखिए अपने लाइफ में। लेकिन सुनते तो हैं लोग, आपने जो एक अपील की उसके बाद काफ़ी लोग मैच देखने के आए, तो ये लोग, अगर कोई बड़ा पर्सनालिटी बोल दे तो लोग सुनते हैं, समझते हैं कि स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की क्या वैल्यू है, आप मानते हैं ये? आई होप ऐसा हो, आई होप कि लोग ये देखें और समझें। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है, आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो स्पोर्ट्स से बेहतरीन चीज़ें कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो मैंने पहले भी कहा कि आपके बच्चा कुछ भी बनना चाहे, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कुछ भी, आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपने बच्चे की लाइफ में स्पोर्ट्स रखिए ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके। 100 मैच का क्या सिग्निफिकेंस है एक प्लेयर के रूप, प्लेयर के लिए? एक ड्रीम है, आई नो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने देश के लिए खेलूँगा, और इवेंचुअली 100 मैच खेलना एक ड्रीम है मेरे लिए, एंड आई एम कम्प्लीटली लविंग इट। जब बड़े खिलाड़ियों से कोई तुलना होती है, जो वर्ल्ड क्लास के जो प्लेयर हैं, रोनाल्डो हो गए, मेसी हो गए, तो कैसा लगता है आपको एक जिम्मेदारी से? मैं सीरियसली इनको लेता नहीं हूँ, देर इज़ नो कंपैरिजन, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल के प्लेयर्स हैं। मैं सिर्फ खुश हूँ कि मैं अपने देश के लिए गोल मार रहा हूँ। आई एम विजयन थे पहले, उसके बाद भोटिया आया, उसके बाद सुनील छेत्री आया, तो क्या ये जो एक ही खिलाड़ी आ पाते हैं, कोई बहुत सारे एक साथ खिलाड़ी हम नहीं देखते? अब आ रहे हैं शायद, जे है, संदेश है, गुरप्रीत है, उदानता है, थापा है, अनिरुद्ध, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। आई होप आपका आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर यही हो जाए कि बहुत सारे प्लेयर इकट्ठे आ रहे हैं। आपकी कप्तानी में हमने देखा है कि आगे से लीड एग्जांपल सेट करते हैं, आप आगे बढ़ के खूब जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये एहसास से टीम को कितना फ़ायदा होता है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कप्तान हूँ, बट जितने भी सीनियर प्लेयर है टीम में, उन सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और जितना हम अच्छा कर पाएंगे उतना ही ये चीज़ यंगस्टर्स को दिखेगा और वो भी अच्छा दे पाएंगे। आई थिंक ये ऐसी चीज़ें जो स्प्रेड करती है, तो अगर अपना बेस्ट दे रहे हो तो बाकी सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो इसलिए यही ट्राई करता हूँ कि अच्छा एग्जांपल हो सकूँ। विदेशी क्लब से आपने खेला, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत ही बेहतरीन, बहुत कुछ सीखने को मिला, टेक्निकली टैक्टिकली बहुत सीखने को मिला, एज ए इंसान भी बहुत ग्रो करने को मिला। ईजी नहीं है बाहर जाना और वहाँ खेलना, वहाँ अपना अपना इस्टेब्लिश करना। अगर आप गुरप्रीत को पूछेंगे बताएगा कितना टफ था उसका लाइफ, सो इट्स जस्ट अ गुड लर्निंग, जहाँ आप बहुत सीखते हैं और इंसान ही बेटर बन पाते हैं। वर्ल्ड कप आने वाला है, आपको फेवरेट टीम कौन है? आप कमेंट्री भी करने जा रहे हैं, हमने देखा सोनी पे, तो आपकी फेवरेट टीम, आपके फेवरेट प्लेयर? मैं खुश हूँ कि मैं वर्ल्ड कप देखने वाला हूँ, बिकॉज वहाँ इतनी सारी बेहतरीन टीमें हैं जो एक दूसरे अगेंस्ट खेलेंगी, बट मेरा बेस्ट अगर आप पूछेंगे तो स्पेन है, बिकॉज मुझे उनका गेम बहुत पसंद है। ब्राज़ील के बारे में क्या कहेंगे? वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, जितने भी बार आप देखेंगे बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा करते हैं ब्राज़ील, अभी भी बहुत ही बेहतरीन टीम है, एंड आई जस्ट होप हम सामा मैजिक देख पाए। अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उसके बाद क्या आपको कुछ बदलाव नज़र आता है, उससे क्या फ़ायदा नज़र आया युवा जो नए? फ़ायदा बहुत, बदलाव हमें खुद ही लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना है कि टूर्नामेंट हुआ और ख़त्म हो गया, हमें उस पर और बिल्ड करना है, हमें मेक श्योर करना है कि जितने भी अंडर 17 के बच्चे हैं उन्हें और एक्सपोजर ट्रिप मिल पाए, उन्हें और बेहतर चीज़ें दे पाए हम, ताकि वो अपने को इम्प्रूव कर सके, और स्लोली स्लोली सब ने मिलकर धक्का लगाना ताकि गेम बढ़े इंडिया में। थैंक यू।